गुड मॉर्निंग दोस्तों, माय जर्नी में आपका स्वागत है। और आज हम हैं जोधपुर के होटल जसोल रिसॉर्ट में, जो कि नातानाड़ा पुलिस लाइन एरिया में है। तो हम लोग जोधपुर की विजिट पर आए हुए हैं और हम यहीं रुके हुए हैं। और ये होटल एक हेरिटेज की तरह है और बहुत ही अच्छा लगा हमको, तो हमने आज आपके साथ शेयर किया है। और जोधपुर बहुत ही प्यारा सिटी है और जोधपुर में 5-10 किलोमीटर के आसपास ही आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो इसी प्रकार दर्शनीय स्थल जोधपुर को देखने के लिए हमने लिया है ये होटल जसोल रिसोर्ट। तो चलिए हम लोग होटल विज़िट करते हैं। काफ़ी बड़ा सा ग्राउंड, घास से भरा हुआ है, घास लगी हुई है। मॉर्निंग वॉक के लिए इसमें बहुत ही आनंद आया और हमने यहाँ योगा भी किया। और मॉर्निंग में उठ करके आप टहलें, बैठें, योगा करें। बहुत ही प्यारा ग्राउंड है, मन को मोह लिया इसने। और अब चलिए चलते हैं होटल के अंदर। तो हमने ज़्यादा ऊपर तक नहीं देखा है, नहीं गए, इच्छा नहीं हुई, क्योंकि हमें तो अपना वो कमरा वगैरह पसंद आ गया, तो बस हम वहीं तक रहे। तो देखिए आगे बढ़ने पर ये हम एंट्री कर रहे हैं और सीढ़ियों से एंट्री करने के बाद आपका इधर साइड भी अच्छा है। और ये देखिए इसमें इस तरफ रूम है, एक रूम, और बीच में यहाँ है हमारा रिसेप्शन, यहाँ रिसेप्शन की सिटिंग। और देख लीजिए इंटीरियर, और राजसी सा लुक देता है। और अंदर जा कर के ये, अब हम बाहर आ गए वापस, और एक रूम सामने दिख रहा है और ये हमारा रूम है। ये एक रूम सामने है और ये वाला रूम जो हमने लिया। तो अब देख लेते हैं इसके अंदर किस तरह का है। काफ़ी बड़ा और बढ़िया रूम है ये, और इसमें काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा रूम है। और 4 पर्सन, हमने 5 पर्सन की सिटिंग करी थी इसमें। और ये देखिए एक बेड और लगवा लिया था, एक गद्दा। 3 बच्चे हमारे और 2 हम, इस तरह से 5 लोगों ने इसमें सिटिंग किया था। और ये बड़ा डबल बेड, एक साइड में बेड। ये फिर आपका ड्रेसिंग एरिया, और इसमें सामने की दीवार पर 3 अलमारी हैं, 1, 2, 3, ये दिखाई दे रही है। और इंटीरियर बिल्कुल राजसी तरह से, एक चौथी अलमारी ये है, एक ये रखी हुई अलमारी है। पर्दे वर्दे लगे हुए हैं, एक टीवी है। और ये यहाँ फिर सिटिंग है, अच्छे से सोफ़ा और ये पड़ा हुआ है। और अब इसको अलमारी को खोल के देख लेते हैं, उससे पहले ये ड्रेसिंग। और चलिए अलमारी खोल लेते हैं। और ये देखिए अलमारी खुल गई, और अब दूसरी अलमारी खोलते हैं। और इसमें कांच भी लगा हुआ है अलमारी के गेट पर। और ये आपकी दूसरी अलमारी, और इसका दूसरी तरफ भी सेम है, अच्छा आप स्टोरेज है, कपड़े वपड़े अच्छे से रख सकते हैं। और ये तीसरी अलमारी भी बहुत ही बढ़िया है, और इसमें भी आप काफ़ी कुछ सामान रख सकते हैं। अगर आप 5 मेंबर हैं तो नेचुरली सामान ज़्यादा होता है, तो स्टोरेज आपको अच्छा खासा मिल रहा है। फिर ये एक और अलमारी है, इसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो ये हमने नहीं खोली है, लेकिन इसमें भी अच्छा खासा स्टोरेज है। ये देखिए ये रही, इसको खोल दिया। और अब एक छोटा सा LED जो सामने दिख रहा है। और अब ये देख लेते हैं बाथरूम, और बाथरूम भी अच्छा है, स्पेसियस था, कोई प्रॉब्लम नहीं, साफ था। वेस्टर्न टॉयलेट है, ये वॉश बेसिन है, और गीजर वीजर सब है, पर गर्मी अभी समय इतनी थी कि गीजर की तो खैर कोई ज़रूरत ही नहीं। और स्पेसियस बाथरूम। और अब वापस बाथरूम से कमरे में आ गए, और देखिए नीचे भी छोटे छोटे पैर पहुंचने के लिए कारपेट बिछे हुए हैं। और एक कोने में
ये दो साइड टेबल और दो लैंप, और बड़ा प्यारा लुक देता है, एंटिक लुक दे रहा है रूम। और इसका किराया मैंने बता दिया 3,500। थैंक्स फॉर वॉचिंग।